एल्केन्स के रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम अदित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, टिपिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। भाई हम पहले पढ़ेंगे कि एल्केन की टिपिकल रिएक्शन क्या होगी, अरे जनरल रिएक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म इन्वॉल्व कि अगर एल्केन के अंदर क्या होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो किस मैकेनिज्म के जरिए होता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने बताओ क्या पढ़ना है इसका, बोलो भाई, फीचर्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। तो सिंपल है, अगर हमारे पास कोई एल्केन है तो मेरे पास क्या है, कोई आर एच क्या, और इसमें हम क्या मिला दें, एक्स टू बताओ क्या है, कोई हेलोजन, कोई सी एल टू या बी आर टू एफ टू या आई टू, ठीक है। और यहां बताओ क्या प्रोवाइड कर दें, बहुत ज्यादा हीट या यूवी या फिर कोई प्रोक्साइड इनिशिएटर, क्योंकि उसके अंदर ओ डबल ओ सिंगल बॉन्ड ओ होता है ना भाई, तो वहां पर इजीली क्या स्टार्ट हो जाएगा, वो बॉन्ड भाई इजीली टूट जाएगा, आपको पता होगा ना। और वहां पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इनिशिएटर रेडिकल बन जाएंगे, पता होगा ना आपको भाई, जो रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बात आपको पहले पड़ी, तो इस रिएक्शन में तो क्या होता है, ये जो एक्स होगा ये क्या करेगा, इस एच को यहां से रिप्लेस कर देता है, एक एक्स रेडिकल, तो हमारे पास तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, आर एक्स प्लस में क्या निकल जाएगा, एच एक्स। तो ये एक हमारे पास क्या है, टिपिकल रिएक्शन, ये एक एल्केन हुई, ये हमारे पास क्या है एल्केन, और एक्स टू हमारे पास क्या है, एफ टू हो सकता है, सी एल टू बी आर टू या आई टू, है नहीं आपको। अच्छा एक बात और भाई, मैंने आपको बताया था ना, अरे ध्यान रखिए, एल्केन्स बहुत एल्केन्स क्या होते हैं, बहुत इनर्ट होते हैं ना, क्या एल्केन्स बहुत इनर्ट होते हैं, तो हमको बताओ यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, सनलाइट, ओके। अब बताओ क्या है हमारे पास, इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। अब हम देखते हैं इसकी, ये रिएक्शन हुई कैसे है, रिएक्शन तो है ना भाई, हमने इसको एनालाइज करना है कैसे हुई है। अब मैं कहता हूँ कि ये भाई एक फ्री रेडिकल क्या है, सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पक्का क्या बनना चाहिए, फ्री रेडिकल, तो कैसे आएगा, तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, और उसके अंदर बताओ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी आर टू, हमारे पास क्या हो भाई, बी आर टू या हमारे पास क्या मान लिया, एच एक्स, हमारे पास मान लिया भाई एक्स टू है, क्या हमारे पास एक्स टू, तो पहले आपने इसको तोड़ दिया भाई, बताओ हमारे क्या बन गए, टू एक्स रेडिकल भाई यहाँ पर क्या रेडिकल, अरे इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन स्टेप, यानी यहाँ पर भाई रेडिकल तैयार हो चुके हैं भाई, ठीक है। अब ये रेडिकल्स तो क्या करेंगे, ये करेंगे चेन को प्रोपगेट, इजंट इट। अब बताओ हमारे पास भाई एल्केन, हमारे पास तो क्या है, हमारे पास कौन सा एल्केन है, आर, ये हमारा क्या होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, अब हमारे पास क्या आर एच, अब ये आर एच बताओ किस से रिएक्ट कर जाएगा, एक्स रेडिकल से, बताओ हमें क्या मिल जाएगा, आर एच रेडिकल, नहीं हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी वो तो पहले क्या हमारे, अरे इसने एच एक्स निकाल लिया, बताओ, अरे बोलो बताओ क्या मिल गया, और उसके आर रेडिकल प्लस, अरे भाई यहाँ पर तो क्या हुआ ये, अरे आर रेडिकल यहाँ पर तैयार हो गया, और साथ में तो क्या हुआ एच एक्स, ठीक है। अभी जो आर रेडिकल है ये फर्दर बताओ क्या कर सकता है भाई, रिएक्ट, भाई आर रेडिकल जो फॉर्म हुआ है ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है, अब ये आर रेडिकल एक्स टू से रिएक्ट करके बताओ क्या बना लेगा, भाई आर रेडिकल एक्स टू से रिएक्ट कर बताओ क्या बना लेगा, आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल, भाई एक्स रेडिकल यहाँ पर कंज्यूम भी हुआ था, और यहाँ पर तो क्या एक्स रेडिकल दोबारा क्या हो गया, जनरेट हो गया ना, इजंट इट, बताओ क्या हमारे पास, और ये बताओ हमारे पास क्या बन गया,
हालांकि ये भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट भाई, ये भी हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन भाई क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या अवेलेबल है रेडिकल्स, अरे भाई अभी भी यहाँ पर हमारे पास बताओ क्या अवेलेबल है, ये आर रेडिकल तो किस सेट करके एक्स टू से बताओ क्या बना लेगा, एक्स रेडिकल प्लस आर एक्स, लेकिन अभी हमारे पास क्या भाई अवेलेबल है रेडिकल्स, ठीक है। तो भाई चेन टर्मिनेशन कई तरीके से पॉसिबल है, कई यहाँ पर क्या पॉसिबल है साइड रिएक्शंस, बताओ देखो क्या पॉसिबल है कि एक्स रेडिकल बताओ क्या बना ले एक्स टू, भाई एक्स रेडिकल्स क्या बना ले एक आर रेडिकल और एक्स रेडिकल तो क्या बना ले हमारे पास आर एक्स, भाई आर रेडिकल और एक्स रेडिकल बताओ हमारे पास क्या बना ले भाई, और एक आर रेडिकल और आर रेडिकल क्या बना ले बताओ, बोलो भाई। अब यहाँ पर तीन तरीके से क्या है पॉसिबल है, एक तो कौन सा हमारे पास भाई आर रेडिकल, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आर रेडिकल से बाइंड कर रहे हो क्या बना ले आर आर, एक भाई एक्स रेडिकल क्या बना ले एक्स एक्स, और क्या बना ले आर रेडिकल एक्स रेडिकल से, जो कि अरे भाई यहाँ पर तो खैर आर ने एक्स टू से रिएक्ट किया है, लेकिन रेडिकल भी तो आर रेडिकल भी तो क्या कर सकता है एक्स रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास उस टाइम पे आर एक्स, नहीं आ गया आपको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, आ गया आपको, तो ये बताओ इसका भाई मैकेनिज्म। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई सेरिन फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्के, सब भाई इसकी फीचर्स क्या होती हैं भाई, फीचर्स ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड कितना मजबूत बनता है भाई, ये चीज किस बात, देखो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एल्केन्स में, उनके अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जो रिएक्शन को भाई डिक्टेट करता हो क्या होता है बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब बताओ भाई आर एफ बॉन्ड स्ट्रांग होएगा कि आर आई बॉन्ड स्ट्रांग होएगा बताओ, भाई कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होएगा कि कार्बन हैलोजन कार्बन आयोडीन, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होएगा ना भाई, इजंट इट, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतनी ज्यादा क्या होगी रिएक्टिविटी हैलाइड सॉरी हैलोजन की, जो आपने हैलोजन यूज किया है वो उतना से, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हम कहेंगे अगर आर एफ सबसे स्ट्रांगर बॉन्ड बनता है तो मोस्ट रिएक्टिव तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए एफ टू, मोस्ट एक्टिव यहाँ पर कौन सा होना चाहिए एफ टू, उससे कम रिएक्टिव तो कौन सा होना चाहिए हमारे पास सी एल टू, उससे कम रिएक्टिव बताओ कौन सा भाई बी आर टू, और सबसे कम बताओ कौन सा होना चाहिए हमारे पास आई टू, इजंट इट। अच्छा बताओ बस क्या भाई, बस क्या है द ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाई प्रोपगेशन स्टेप फॉलोज द ऑर्डर, अब बताओ क्या कहता है ये, बस सिंपल बात है हमारे पास जो एल्केन उसके ऊपर आर रेडिकल क्या करेगा अटैक करेगा ना, सॉरी एक्स रेडिकल उस पर अटैक करेगा ना, तो ये कहता है सबसे देखो ये बताओ ध्यान रखियो कि रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी बताओ भाई, जब स्टेबल स्पीशीज बनेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी डेफिनेटली इंप्रूव होगी ना, इजंट इट। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है सी एच थ्री सी एच टू, हमारे पास क्या है सी एच थ्री सी एच टू, और मैं कहूँ हमारे पास सी एच थ्री है, ठीक है बात, तो आप मुझे बताओगे अगर मैं ये कहूँ हमारे पास ये एल्केन है, हमारे पास ये क्या भाई एल्केन, और जो हमारे पास रेडिकल होगा कौन सा हमारे पास बी आर रेडिकल, बी आर रेडिकल शिवम, तो बताओ इसकी जो हाइड्रोजन प्रोटोन नहीं, क्योंकि यहां पर प्रोटोन नहीं निकलता ना, यहां पर हाइड्राइड निकलती है, यहां पर क्या निकलता है प्रॉपर हाइड्रोजन एटम, पता होगा ना आपको भाई, तो बताओ हाइड्रोजन एटम को ग्रैब करने की एबिलिटी मतलब कौन सा हाइड्रोजन, यहां पर भैया आप एल्केन का क्या बनाओगे हेलो एल्केन, भाई आपने यहां पर इसका भाई ब्रोमो प्रोपेन तो बनाना है वीआर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कहां पर अटैक करवा के बनाना है बताओ, मैं यहां अटैक करूं कि यहां अटैक करूं, तो जो आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में वही चीज है यहां पर, शुभ बताओ कहां अटैक होगा यहां पर सी वेरी गुड भाई, क्यों क्यों यहां से क्या होता है भाई, हमें देखना ना कि ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगी, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की ईज कहां पर ज्यादा होगी, अगर यहां से निकाला मान लिया आपने
तो ये हमारे पास क्या बने बताओ, हमारे पास क्या बनेगा, ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू रेडिकल बने हमारे पास, इजंट इट। और हमको साफ दिख रहा है भाई ये क्या हमारे पास एक प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर एक ही क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दो यहाँ पर क्या भाई सिंपल हाइड्रोजन, पता होगा ना आपको भाई। और क्योंकि कार्ब आपने पढ़ा था भाई फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम जितने ज्यादा क्या अटैच करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना ज्यादा फ्री रेडिकल क्या हो जाए बताओ भाई स्टेबलाइज होना चाहिए ना। तो आप मुझे बताओ भाई यहाँ और यहाँ अटैक होता तो यहाँ बताओ क्या होगा, तो अगर यहाँ से प्रोटॉन निकाल सॉरी हाइड्रोजन निकाला जाए तो ये बनेगा ना भाई, ये बताओ कौन सा कार्बन है, बोलो भाई ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, इजंट इट। आसान है मुश्किल भाई, बताओ अब बताओ सुमित। तो यहाँ तो आप भाई ब्रोमो प्रोपेन भाई आप यहाँ बनाओगे यहाँ बनाओगे, तो कहाँ बनेगा ये भाई, ये यहाँ पर अटैक ना कि यहाँ पर अटैक, ये क्या बोलते हैं, अरे सिंपली एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, मेरे क्या बनेगा ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इजंट इट ओके। अच्छा तो क्या यहाँ पर कायरलिटी भी एक्टिवेट हो सकती है क्या, क्या यहाँ पर कायरलिटी भी एक्टिवेट हो सकती है क्या, बिल्कुल क्या भाई, अगर मैं ये कह दूँ कि ये हमारे पास तो क्या ई टी है, ये हमारे पास क्या भाई ई टी है ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भाई कायरलिटी भी क्या हो सकती है एक्टिवेट। हमारे पास इस तरह का एल्केन है, हमारे पास इस तरह का एल्केन, अरे हमारे पास भाई इस तरह का एल्केन है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ई टी ठीक है बात। तो अब आप मुझे बताओ और बोल के यार इसको अलग कर दो भाई, ना ना ये हमको भाई हमने अगर यहाँ से इसको हटा दिया तो दो ग्रुप तो क्या सेम हो गए ना, और इसको अलग कर दो, इसको आप क्या कर दो इसको पी आर ग्रुप कर दो आप, नहीं आ गया आपको। अब बताओ ये हमारे पास क्या टर्शरी, ये हमारे पास किस तरह कार्बन है टर्शरी कार्बन, इजंट इट। चलिए काम करो भाई कोई दिक्कत नहीं, काम करो उसको पैसे रख लो, ये हमारे पास क्या भाई एच टू ए, अरे ये भी क्या है सी एच ओके। अब जब यहाँ से ये बताओ क्या जाएगा हाइड्रोजन, फिर पहले बताओ ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सेकेंड कार्बन ना, फिर उसको मैंने भाई मिथाइल कर दिया है, तो अभी बताओ अगर मान लिया यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये हमारे पास क्या बताओ, ये हमारे पास क्या बनेगा टर्शरी फ्रेडिकल भैया, हमारे पास क्या बनेगा सॉरी अरे भैया क्या है भैया कितने से अटैच्ड भाई बताओ, अगर एक से जुड़ा हो तो क्या होगा हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, इजंट इट। तो अब बताओ अब इसके अभी इसके अराउंड बताओ भाई तीनों ग्रुप क्या हमारे पास डिफरेंट है ना भाई, हमारे पास तीनों ग्रुप्स क्या हैं डिफरेंट नहीं क्या, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इस कार्बन के अराउंड किस तरह की ज्योमेट्री आपको बताओ देखने को मिलेगी बताओ भाई, इसका इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 भाई, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 नहीं होगी क्या, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है प्लेनर s, अरे भाई ये जो कार्बन यहाँ पर क्या है ये क्या इसका ऐसे नहीं होगा भाई बताओ, यहाँ कौन है pr, यहाँ कौन है बताओ, यहाँ pr, यहाँ कौन मिसाल यहाँ कौन बताओ et, ये तीनों ग्रुप बताओ क्या हमारे पास डिफरेंट, और इसके पास ये बताओ क्या एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल pz बताओ ना आपको, तो इसके ऊपर अब अटैक किस साइड से हो या इस साइड से हो उससे बताओ क्या डिसाइड हो जाएगा भाई यहाँ से, अरे भाई मान लिया भैया यहाँ यहाँ कौन है भाई कार्बन, यहाँ कौन है कार्बन एम ई पी आर और ई टी ठीक है, अब यहाँ से अटैक हो तो क्या बनेगा एक आइसोमर, और यहाँ से आया तो बी बी आर रेडिकल दूसरा आइसोमर, नहीं आएगा आपको। तो यहाँ भी बताओ भाई किसकी पॉसिबिलिटी है, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, अगर रेडिकल कार्बन क्या है जो कार्बन रेडिकल होना है, बोलो भाई अगर क्या एसिमेट्रिक, बोल के आप एसिमेट्रिक का मतलब ये मानो कि उस पर तीनों ग्रुप क्या हैं डिफरेंट, तो आपको बताओ क्या मिल जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से आप भाई वहाँ पर क्या होंगे एनेंशियोटोपिक फेसेस होंगे ना, और अगर एनेंशियोटोपिक फेसेस हुए तो डेफिनेटली वहाँ पर अटैक से बताओ क्या मिलेगा हमको, बोलो भाई एनेंशियोमर्स क्या मिलेंगे हमको
एनेंशियोमेरिक पेयर, इजंट इट? बोलो भैया नहीं है इसका एक आध एग्जाम्पल हम भाई और भी लिख सकते हैं। आ गया ना आपको ये? ठीक है, एक सेकंड भाई। ओके आ गया बापू ही। ठीक है तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।